आज मैं बना रही हूँ चटपटा चना। तो उसके लिए देखिए मैंने 250 ग्राम चने लिए हैं और इसको मैंने बॉईल कर लिया है। और यहाँ पर देखिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उसको मैंने फाइनली चॉप किया है। 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी मैंने फाइनली चॉप कर लिया। इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल लगेगा हमें। और यहाँ पर जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून लगेगा। और यहाँ पर 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून गरम मसाला है, और यहाँ पर 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट जाएगा। और यहाँ पर मैंने इमली का पेस्ट लिया हुआ है। और इसमें बघार देने के लिए मैंने 1 टीस्पून जीरा जाएगा, 1 टीस्पून, और यहाँ पर थोड़ा सा कोथमीर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था, उसको मैंने गर्म करने रख दिया था। अब मैं इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा और कड़ी पत्ता, अभी मैं इसके अंदर ये प्याज डाल रही हूँ और इसे मैं थोड़ा सा ट्रांसलूशन होने तक कुक कर लूँगी। यहाँ पे देखिए अच्छे से प्याज ट्रांसलूशन हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर टमाटर डाल दूँगी और इसे मैं अच्छे से गला लूँगी। जब तो यहाँ पे टमाटर अच्छे से गल गए तो अब मैं इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी और जब तक इसकी रॉ स्मेल नहीं चली जाती तब तक मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। अब इसकी गार्लिक और जिंजर पेस्ट की रॉ स्मेल चली गई है। अब इसमें मैं डालूँगी सारे ड्राई मसाले, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, सॉल्ट, और थोड़ा सा इसे मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं इसके अंदर डालूंगी इमली का पल्प और फिर इसके अंदर डालूंगी मैं उबले हुए चने और मैं इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी और बस इसे मैं 2 मिनट तक कुक कर लूंगी। आप चाहो तो इसमें और भी पानी ऐड कर सकते हो बट मैं इतना ही पानी इसमें ऐड कर रही हूँ और इसे मैं 2 मिनट के बाद में आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अब ये हो गए 2 मिनट, 2 मिनट के बाद मैंने इसमें कोथ